नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो पे आपको ये बताने वाले कैसे वैलोरेंट के हर एक एरर को फिक्स कर सकते हो एंड कैसे आप वैलोरेंट को पार्ट्स में डाउनलोड कर सकते हो एंड कैसे आप वैलोरेंट को अपने लो एंड पीसी पे रन कर सकते हो। तो इन तीनों टॉपिक को मैंने इस वीडियो पे डिस्क्राइब किया, तो प्लीज आप जाके फुल वीडियो को देखें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने भी डाउनलोड लिंक्स हैं आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएंगे, वेबसाइट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ आप वहां से डाउनलोड कर लें। आप मैं बता दूं कि यहां पर मैं मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट थोड़ा रिवील कर देना चाहता हूं कि आपके पास मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए वैलोरेंट को खेलने के लिए। दोस्तों, रैम की बात करें तो मिनिमम 3 या 4 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 MB नीड है। इंटेल HD ग्राफिक कार्ड है, अगर आपके पास है तो बहुत है। एंड यार, प्रोसेसर की बात करें तो ड्यूअल कोर आपके पास होना चाहिए। एंड स्पेस की बात करें तो मिनिमम 12 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए, तो आप आराम से वैलोरेंट को खेल सकते हैं। एंड बाकी लैग कैसे फिक्स करना है, लो एंड पीसी में कैसे रन करना है, उस सभी मैंने वीडियो में बताया, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। तो चलो फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस आप सभी को ये सभी फाइलें डाउनलोड करना एकदम कंपलसरी है। पहला है हमारा लॉन्चर, दूसरा है हमारा दोस्तों FPS बूस्टर। अगर आपके पास एक लो एंड पीसी है और आप वैलोरेंट खेलना चाहते हैं अच्छे FPS के साथ, या आप पे वैलोरेंट अटकता है, बहुत ही लैग करके चलता है, या आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो आप इसे यूज़ करना। और अगर जिन लोगों को वैलोरेंट में एरर फेस हो रहा है, वो उनके ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर रहे हैं बट उनका वैलोरेंट चल नहीं रहा है, या जो लोग वैलोरेंट डाउनलोड नहीं कर पा रहे जिनके पास उतना सफिशिएंट डेटा नहीं है, तो वह पार्ट्स में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 500 MB के कुछ 8 पार्ट डाउनलोड करने पड़ेंगे। एंड दोस्तों, जो लास्ट का पार्ट है, जो 9th पार्ट है, उसका साइज अप्रॉक्स 300 MB है। तो इसका मैं टोटल साइज बता दूँ 4 GB के आसपास है। एंड जब इसे आप इंस्टॉल करोगे तो 11 GB के आसपास आपके पास स्पेस खाली होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। सिंपली 1 से लेकर 9 तक के सभी पार्ट डाउनलोड मारना है। सिंपली चलिए इसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट किसी से भी कर सकते हैं, 7zip है विनयार से, तो अभी यहाँ पर मैं 7zip का यूज़ कर रहा हूँ। जब यहाँ पर आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पासवर्ड मांगेगा, एंड पासवर्ड देख ले ध्यान से। पासवर्ड है आपको सभी स्मॉल में लिखना है। सिंपली हम ओके पे क्लिक करते हैं। एंड वेल गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा एक्सट्रैक्शन चालू हो चुका है। दोस्तों, से एक्सट्रैक्ट होने में भी 5-10 मिनट ले सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक्सट्रैक्शन कंप्लीट होता है एंड आपको एक फोल्डर मिल जाएगा VL/TP। तो जैसे ही इसे आप ओपन करोगे तो मिल जाएगा रॉयड गेम का। सिंपली यही हमारा मेन फाइल है। सिंपली हम बैक चलते हैं। अब हमें वैलोरेंट का लॉन्चर को इंस्टॉल करना है। सिंपली आपको इसे डबल टैप करना है। वेल गाइस, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि इन सभी का लिंक आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से आके आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि आप जब भी ये प्रोसेसर करें तो आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो अपने PC या लैपटॉप से। तो सिंपली आपको यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करना है। इंस्टॉल करोगे तो फिर गेम इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। सिंपली एडवांस के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको फोल्डर पर सेलेक्ट करना है। अब क्या करना है, अब आपको उस डायरेक्टरी पर जाना है जहाँ आपने फाइल्स को एक्सट्रैक्ट किया था। तो मैंने ईम एक्सट्रैक्ट किया था। VL/TP को सेलेक्ट नहीं करना है, आपको रॉयड गेमिंग को सेलेक्ट करना है। ठीक है, सिंपली हम यहाँ ओके पे क्लिक करते हैं एंड इसे इंस्टॉल में क्लिक करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा जो है इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस चालू हो चुका है। तो सिंपली आपका भी ये ओपन होगा एंड आपका जो फाइल्स है वो वेरीफाई होगा। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा फाइल्स को वेरीफाई करना चालू कर दिया है ये वैलोरेंट का लॉन्चर। तो दोस्तों, इसे वेरीफाई होने में भी 5-10 मिनट ले सकता है। एंड मेक श्योर कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो एंड आपका कोई भी डेटा कंज्यूम नहीं होगा। तो चलिए इसे वेरीफाई होने देते हैं। वेल गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा वेरीफिकेशन कंप्लीट होता है। सिंपली आपको फर्स्ट टाइम गेम को ओपन करना है। सिंपली हम प्ले में क्लिक करते हैं। आपको कुछ इस तरह से आपको एक एरर आएगा, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपली आपको अपना कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देना है। तो फटाफट से मैं अपने PC को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। ओके वेल गाइस, तो यहाँ हमने वैलोरेंट को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है बिना किसी एरर के। अब हम वैलोरेंट को रन करने वाले हैं अपने लो एंड पीसी पे। अब स्टार्ट होने वाला है कैसे हम अपने वैलोरेंट को लैग फिक्स कर सकते हैं और अपने लो एंड पीसी में विदाउट ग्राफिक कार्ड कैसे उसे हम प्ले कर सकते हैं। सो गाइस, विदाउट ग्राफिक कार्ड का मतलब ये होता है कि आपके पास मिनिमम यार डुअल कोर का प्रोसेसर होना चाहिए और आपके पास इंटेल HD का ग्राफिक होना चाहिए 512 MB। एंड रैम की बात करें तो मिनिमम 3 GB या 4 GB आपके पास रैम होना चाहिए, तब आराम से इसे अपने लो एंड PC पे खेल सकते हो। तो सिंपली उसके लिए आपको ये FPS बूस्टर को डाउनलोड करना है। सिंपली हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। पहले सिंपली आपको इसे ओपन करना है।
सो पहले जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर आप कुछ फाइल्स दिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कन्फिग फाइल को यहाँ से कॉपी करते हैं, सिंपली आपको इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है परसेंटेज ऐप डाटा और परसेंटेज, सिंपली आपको ये सर्च करना है, एंटर करना है। यहाँ पर आपको ऐप डाटा पे जाना है, लोकल्स में जाना है। लोकल्स में जाने के बाद नीचे आओ, यहाँ पर आपको वेलोरेंट को सर्च करना है, कहाँ है भाई हमारा वेलोरेंट, ये रहा। एंड यहाँ आपको सेव फाइल में जाना है, यहाँ पर आपको जाना है कन्फिग में, एंड जो सबसे पहला वाला फोल्डर रहेगा B7 कुछ भी रहेगा नाम यार, सिंपली आपको इस पे जाना है, विंडोज़ पे जाना है। एंड जो भी आपने कन्फिग फाइल उठाया था, कॉपी किया था, सिंपली यहाँ पर आपको इसे पेस्ट कर देना, रिप्लेस मांगेगा रिप्लेस कर लेना। अगर कन्फिग वाला काम कंप्लीट होता है, सिंपली हम बैक चलते हैं उसी फोल्डर पे जहाँ हमने FPS बूस्टर को एक्सट्रैक्ट किया था। अब हमें प्रॉक्सी पे जाना है, सिंपली हम इसे ओपन करते हैं। सिंपली आपको एक प्रॉक्सी हाई प्रॉक्सी को डबल टैप करना है, यस पे क्लिक करना है, यस करना है, एंड बूम यहाँ पर हमारा प्रॉक्सी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको यहाँ पर दोस्तों सी क्लीनर को इंस्टॉल करना है। अब सी क्लीनर क्यों हम इसलिए करेंगे, क्योंकि जितने भी हमारे टेम फाइल है, जंग फाइल है, या हमारे और भी अनवांटेड फाइल है, ये सभी उनको क्लोज कर देगा। जितने भी आपके बैकग्राउंड में अननेसेसरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर रहे होंगे तो उन सभी को सी क्लीनर क्लोज कर देगा। सिंपली आपको इंस्टॉल में क्लिक करना है एंड इसे आप डिक्लाइन कर लेना है यहाँ से। सो वेलकम, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा सी क्लीनर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कस्टम क्लीन में आना है, आपको रन क्लीन में एक बार क्लिक करना है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, हार्ड वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर आपको इसे स्कैन फॉर इशू पे क्लिक करना है, तो फिक्स सेलेक्ट इशू पे जाना है, यहाँ पर आपको नो करना है एंड फिक्स ऑल सेलेक्ट इशू पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर इनकेस कुछ इशू रहता है तो ये इसे फिक्स कर देगा। तो यहाँ पर अभी मेरा कोई भी इशू नहीं है, सिंपली हम क्लोज पे क्लिक करते हैं। अब चलना है हमें फर्स्ट वाले पे, हेल्थ चेकअप पे, सिंपली आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमारा इसका भी काम कंप्लीट होता है, अब हम इसे क्लोज कर सकते हैं। अब हमारा मेन है टाइम रेजोल्यूशन को, सिंपली आपको इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। एंड दोस्तों अब आपको क्या करना है, जब भी आप गेम को ओपन करो तो सिंपली आपको इसे मैक्सिमम पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। एंड जैसे ही आप गेम क्लोज कर लो, मतलब खेल जैसे खेल लिया गेम, सिंपली आप इसे डिफॉल्ट पे कर लेना, ये नहीं इसे मैक्सिमम करके छोड़ देना, ऐसा नहीं है, इसे आप डिफॉल्ट में कर लेना, ठीक है। तो अभी मैं इसे मैक्सिमम में करता हूँ एंड चलिए अब हम गेम को ओपन करके देखते हैं एंड देखते हैं अपना गेम कैसा रन कर रहा है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा गेम चालू हो चुका है बिना किसी एरर के। एंड वेल गाइस, ये वाला जो मैंने कॉन्फिग तैयार किया है इसमें आपको ग्राफिक्स का भी उतना डलनेस नहीं मिलता है, जैसे मेरे को जो मैंने पहला कॉन्फिग बनाया था उसमें मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई मेरा ग्राफिक्स जो है कि ब्लर हो चुका है। सो वेल गाइस, इसमें आपको ब्लर ग्राफिक्स नहीं मिलता है एंड आप प्लेबल हो, आप अपने लो एंड पीसी पे खेल सकते हो बिना किसी एरर के। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था कि कैसे आप अपने वेलोरेंट को डाउनलोड कर सकते हो एंड सभी एरर फिक्स कर सकते हो एंड कैसे अपने लो एंड पीसी में प्ले कर सकते हो। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड हाँ दोस्तों, अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करो जो अभी तक वेलोरेंट खेल नहीं पाए या वो लैग फेस करे या वो अपने लो एंड पीसी में खेलना चाहते हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वेट 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 दोस्तों, बस एक छोटा सा गुजारिश है दोस्तों, हमने एक रिसेंटली एक नया स्ट्रीमिंग चैनल ओपन किया है जिसका नाम है बाबूजी गेमिंग, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उसे जाके आप सपोर्ट करें। देखो यार, आप सपोर्ट करते हो तो हमें अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हम उसमें मोबाइल गेमिंग एंड पीसी गेमिंग का लाइव स्ट्रीम करने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ मे भी जाके आप सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय।